हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मम्मी पापा मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटा, बोलो ना। मुझे सिद्धार्थ से शादी नहीं करनी। क्या साथ लग रहा है तुम्हें रिश्ता तोड़ना? बस कह दिया और हो गया, दोबारा से बात निकली नहीं और रिश्ता खत्म। आराम से अल्पा, आराम से, आराम से अल्पा, 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 अल्पा। डॉक्टर ने कहा था ना अपना ख्याल रखने को। पानी पियो, पानी पियो। क्या हुआ मम्मी को? पापा क्या हुआ है मम्मी को? आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे? पापा प्लीज बोलिए ना, क्या बात है, क्या हुआ है मम्मी को? हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई टेंशन हो। टेंशन? बेटा तुम्हारी मम्मी दिल की मरीज है और डॉक्टर ने कहा है कि इनके दिमाग पर किसी भी बात का जोर नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों ने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे? माफ करना बेटा, तुम्हारी माँ ने मना किया था। मम्मी, मम्मी, छोड़ो मुझे, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, मत करो। मम्मी, मम्मी, I'm sorry, मैं तो मजाक कर रही थी मम्मी। सुबह मैंने क्या सोचा, it was a stupid joke मम्मी। मैं शादी करूंगी, मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूंगी मम्मी। I'm sorry, मैं सिद्धार्थ से शादी कर लूंगी। शरीर पर और कोई चोट या घाव का निशान नहीं है। डॉक्टर इसका मुंह इस तकिए से दबा कर मारा है इसे। हाँ सर, चेहरा पूरा लाल पड़ गया है। सर पिछले 6 महीने में दुल्हन का 3रा खून है। हाँ निखिल, लगता है कोई दुल्हनों को शादी के वक्त ही मार रहा है। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्यों मार दिया किसी ने मेरी रिया को? हम लोग भी वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि आखिरी बार रिया को जिंदा किसने देखा था? सर, हम दोनों उसके साथ आखिर तक थे और हम रिया का मेकअप करके नीचे कुछ काम के लिए चले गए थे। तब तक रिया बिल्कुल ठीक ठाक थी? हाँ सर, वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद कमरे के अंदर किसी को जाते हुए देखा था? सर, हम लोग तो शादी की तैयारी कर रहे थे, हमें नहीं मालूम कि उसके कमरे में कौन गया था। हाँ सर, रिया की आंटी को मैंने उसके कमरे में जाते हुए देखा था। हाँ सर, उन्होंने कहा था कि उन्हें रिया से कुछ जरूरी काम है। कौन, रिया की आंटी कौन है? नेहा।
नेहा कहाँ चली गई? नेहा अभी तो यहीं थी। घर में खून हुआ है, घर के सारे लोग यहीं पर हैं, और नेहा कहीं चली गई। जरा देखो ढूंढो कहाँ है वो। आप आइए मेरे साथ। चेक करना दुल्हन के दोनों कान में बाली है। यस सर। सर, सर ये कान की बाली मिली है। रिया की तो नहीं? नहीं सर, रिया की नहीं। ये नेहा की है। कहाँ मिली है? सर, सर नेहा जी तो बाहर नहीं है। सर, यहाँ पे इस कारपेट के नीचे। कारपेट के नीचे? ओह नो, या नीचे कोई गिरा हुआ है। करण, एम्बुलेंस फोन कर जल्दी। ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रुके रुके आप लोग। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? राव देख के लगता है कि ये ऊपर से ही गिरी है। और कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं है सर। तो हो सकता है नेहा जी को किसी ने खिड़की से धक्का दे दिया। कुछ कह नहीं सकते ना खेला। इस बॉडी की पोजीशन देखो, लाश इस दीवार खिड़की के एकदम नजदीक पड़ी है। और ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई खुदकुशी करने की कोशिश करता है। अगर किसी ने इसे धक्का दिया होता तो लाश दीवार से और दूर यहाँ पर कहीं पड़ी होती। सर, रिया को मारने के बाद इन्होंने अपनी जान क्यों ली? पकड़े जाने का डर। नेहा रिया के कमरे में गई, उसकी जान ली, और उसके बाद उसे ऐसा लगा होगा कि उसने कोई गलत काम किया है, इसलिए खिड़की से नीचे कूद गई। या फिर ये नेहा किसी के दबाव में थी, किसी के कहने पे उसने रिया की जान ली और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मगर सर, दबाव डाल कौन सकता है? शादी के वीडियोस और फोटोग्राफ्स ले लो, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। मर चुका। ये भी नहीं बचा। ये गाड़ी गेट से टकराई है और इन दोनों के सिर आगे यहाँ पे हैं। इनकी मेहंदी और चूड़ियां देखकर लगता है कि इनकी नई नई शादी हुई। पूर्वी, एक काम करो, दोनों बॉडीज को चेक करो, देखो कोई और चोट का निशान या घाव है क्या। पंकज, गाड़ी को सही से चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। सर। अच्छा, अब ये बताइए कि एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये गाड़ी यहाँ टकराई किससे? साहब, मेरी बगल में पान की दुकान है साहब। एकाएक मेरी नज़र गाड़ी पे गई साहब। एकाएक गाड़ी आनी टेढ़ी चल रही थी साहब। मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था गाड़ी को हो क्या गया है। लगता है सर गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं थी। हाँ सर, मैंने भी देखा था। अच्छा, याद करने की कोशिश कीजिए कि एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले इस गाड़ी के आगे पीछे कोई गाड़ी थी या कुछ अजीब चीज जो याद हो। सर, एक गाड़ी चल रही थी उसके आगे, लेकिन सर वो तो बहुत दूर थी। ओके। सर। हाँ। सर, सर पर लगी चोट के अलावा शरीर पर और कोई चोट का निशान नहीं। अच्छा। सर, गाड़ी के चारों टायर बराबर हैं और ब्रेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अगर गाड़ी पूरी तरह से सही है तो फिर गाड़ी आड़ी टेढ़ी क्यों चल रही थी? निखिल, पॉज करो, रिवाइंड करो।
और फिर वहां से प्ले करो जहां पर वो पेंट्री बॉय रिया की आंटी को सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा है। ये पेंट्री बॉय ये इतनी देर तक क्या कर रहा है रिया की आंटी के पास? सर ये तो नैपकिन की तरफ देख के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे। इस पेंट्री बॉय का पता लगाना पड़ेगा। पेंट्री बॉय? लेकिन सर इस पेंट्री बॉय की शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही। इस तक पहुंचेंगे कैसे? काम करो निखिल, पॉज करो और उस पेंट्री बॉय के हाथ पर जूम करो, है ना? उस पेंट्री बॉय के हाथ पर निशान है ना, पहुंच जाएंगे इसके पास। मुझे लगा था तुम अब भी मुझसे बहुत नाराज हो। सिद्धार्थ, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए I'm sorry too। मैंने भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था उस दिन। नहीं, तुम सही थे, मैं गलत थी। एक बार सीआईडी ऑफिसर नहीं, एक आम लड़की की तरह सोचो, दिल का इस्तेमाल करो, उसकी आवाज सुनो। मेरे दिल में तो एक ही इंसान का नाम घूमता रहता है। श्रेया, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? पूछो। दया और तुम्हारे बीच में कुछ है क्या? तुम्हारी मम्मी दिल की मरीज है। नहीं, मेरे और दया सर के बीच कुछ भी नहीं है। वो मेरे सीनियर हैं, बस। लेकिन अब से मेरी जिंदगी में हमारा ये रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। मगर ये रिश्ता मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने कुछ सोचा है इस रिश्ते को और मजबूत बनाने का। क्या? सगाई। क्या हुआ श्रेया, तुम तैयार नहीं हो? कोई बात नहीं, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना समय ले सकती हो, लेकिन अपना डिसीजन मुझे जरूर बता देना। सिद्धार्थ, कब करनी है सगाई? जितना जल्दी हो सके। डेट फिक्स करके मुझे बता देना। एक मिनट वैभव, इसके चेहरे पर दोबारा इसे स्कैन करो, नाक के एरिया के आसपास। बोल। ये बात है, एक मिनट। ये बात है वैभव, एक काम करो, उस लड़की के चेहरे पर भी स्कैन करो, नाक के एरिया के आसपास। और
ये बात है। क्या बात है सर उनके? बस इन दोनों की मौत जहर की वजह से हुई है। इन दोनों की नाक के अंदर जहर के ट्रेसेस है। देखो ये देखो यार, नाक में जहर, ये कैसे हो सकता है साड़ों के? और सब क्योंकि इनकी कार में से तो हमें जहर जैसी कोई चीज नहीं मिली, और ना ही इनके पर्स या इनकी पॉकेट में, कुछ भी नहीं। नाक में जहर आया कहां से होगा, गया कहां से इनके नाक में जहर? जहर कार में ही था। कार में था? लेकिन सर कार के अंदर हवा में जहर कहां से आ सकता है जबकि दरवाजे खिड़की से बंद थे? तो फिर एक रास्ता है। ये रंग चेंज हो गया, जहर यहां था बॉस। कार के खिड़की दरवाजे बंद थे, वेंट से जहरीली हवा बाहर आई, इन लोगों ने सांस ली, सांस के जरिए जहर इनके फेफड़ों तक पहुंचा, दोनों का दम घुटने लगा और इसी वजह से हस्बैंड कार को संभाल नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। सर ये तो वाकई चौंका देने वाली बात है कि कोई कार के एसी में जहर लगाएगा। हाँ मगर किसी ने तो लगाया है ना जहर कार के एसी में, किसी ने तो लगाया। जल्दी करो फौरन, और इस बार कोई गड़बड़ की ना तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, समझे? अरे सुनिए, इस गैराज का मालिक कौन है जी? कहिए। हमें आपसे थोड़ी पूछताछ करनी थी। पूछताछ मुझसे? किस बारे में? और आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप याद करके हमें बताइए कि दो दिन पहले विनी जी की गाड़ियां आई थी GHY 8769 सर्विसिंग के लिए। जी हाँ सर, गाड़ी तो आई थी, उनका ड्राइवर मुन्ना लेकर आया था। शुरू से उनकी गाड़ी हम ही सर्विस करते हैं। कितना टाइम लगा था सर्विसिंग में? यही करीब 2-3 घंटे लगे होंगे बस। गाड़ी में कुछ और भी खराबी थी? नहीं मैडम, और तो कुछ खराबी नहीं थी। अच्छा, गाड़ी की एसी की सर्विसिंग भी आप ही ने की थी? नहीं सर, एसी सर्विस नहीं किया था। इंटरेस्टिंग। आप ये बताइए कि गाड़ी कितने बजे आई और सर्विसिंग के बाद गैराज से कितने बजे निकली थी? सर यही करीब 12 बजे के आसपास आए थे और 3 बजे के आसपास सर्विस करवा के ले गए थे। 3 बजे? जी सर। मगर विनय के पिताजी ने तो कहा था कि वो 6 बजे घर पहुंच गए थे। पंकज, ये गैराज उनके घर से 4 किलोमीटर दूर होगा लगभग, तो कोई जैसे भी गाड़ी चलाए उसे 20 मिनट या आधे घंटे में घर पहुंच जाना चाहिए था, 3-3.30 बजे तक। हाँ सर, और इस रोड पे तो ट्रैफिक भी नहीं होता। सर मतलब ये सब मुन्ना का किया था? हो सकता है पूर्वी। हेलो, क्या? ठीक है सर, मुन्ना का पता चल गया। ना जाने तुम लोगों को भागने का इतना शौक क्यों है। नहीं नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने क्या क्या किया है और क्या नहीं सब जानते हैं आप। अब साफ साफ बताओ, तुमने विनय की गाड़ी के एसी में वो जहर क्यों लगाया? सर वो मुझे किसी ने जबरदस्ती ये काम करवाया था। कौन था वो? मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और एक छोटी सी बोतल देते हुए कहा कि इसे गाड़ी के एसी में लगा देना। बोतल में क्या था? पूछा नहीं? पूछा था ना, पर उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जब मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया तो उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मैं डर गया था साहब। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा? नहीं सर, नहीं। कहाँ चढ़ा हुआ था उसकी गाड़ी का? हाथ देखा था मैंने उसका। उस हाथ पे कोई निशान था? हाँ सर हाँ, यहाँ पर एक निशान था। गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं। हाँ सर हाँ। क्या?
निकलते वक्त उसने ड्राइवर से कहा था कि गाड़ी मीरपुर की तरफ ले चलो। सर सर जिन दुल्हनों को अब तक मारा गया है उनमें एक चीज कॉमन मिली है। वो क्या? सर लड़कियों के परिवार वाले 15 से 20 साल पहले दीनापुर नाम के गांव में रहते थे। दीनापुर? हाँ सर। है कहाँ ये दीनापुर गांव? सर मुंबई से बाहर एक छोटा सा गांव है। हाँ सर, इसका मतलब खूनी उन्हीं लड़कियों को मार रहा है जिनके परिवार वाले दीनापुर से जुड़े हुए थे कभी ना कभी। 20 साल पहले ना गांव की दो लड़कियों का कुछ गांव वालों ने शादी के मौके पे ही मार दिया था। ऐसा क्या किया था उन लड़कियों ने? प्यार किया था। अरे उनके घर वाले तो शादी के लिए तैयार भी हो गए थे पर कुछ गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। उनका कहना था कि शादी से गांव का माहौल बिगड़ता है। अच्छा, कौन लोग थे जिन्होंने इन लड़कियों को मारा? गांव के 15-20 लोग थे पर उन दो लड़कियों को मारने वाले तो 4-5 लोग ही थे। उनके नाम थे एक तो संग्राम, एक महातम, एक विवेश, अवतार और एक गोरधन। ये लोग थे। सर इनमें से तो 4 परिवार की बेटियों का खून हो चुका है थाने के। अच्छा ये इन लड़कियों के परिवार वाले क्या अभी भी इस गांव में हैं? लड़कियों के माँ बाप तो इस सदमे से गुजर गए। लड़कियों का एक भाई था 7-8 साल का, चेतन, पता ही नहीं कहाँ चला गया वो। अब तक तो वो 27-28 साल का हो गया होगा, खून उसी ने तो नहीं किया। अजी ये एक फोटो है जिसका चेहरा नहीं लेकिन इसके हाथ पे ये कटे हुए का निशान है। ये तो चेतन ही हो सकता है। जब लड़कियों की शादी हो रही नहीं थी ना तब तलवारें चली थी, वो अपनी बहनों को बचाने गया और तलवार उसके हाथ पर लगी तभी ये निशान हुआ था। इसका मतलब खूनी इनका भाई ये चेतन ही है। चेतन है वो खूनी जिसने दीनापुर की उन 4 लड़कियों का खून किया। बदला लिया उसने अपने दोनों सगी बहनों के खून का बदला लिया। सर हमारी जानकारी के हिसाब से उन सगी की बहनों के खून में 5 लोगों का हाथ था जिनमें से 4 की बेटी को तो वो अपना शिकार बना चुका है सर। और सर अगर इस 5वें परिवार में कोई बेटी है तो खून ही उसको अपना अगला शिकार जरूर बनाएगा। हाँ अवतार है ना, महातम, विशेखा, गुरदान, संग्राम, 4 परिवार की बेटियों को तो वो मार चुका है, बचा है एक परिवार। सर हाँ कभी पता चला खूनी मीरपुर क्यों गया था? नहीं सर। सर पर ये पता चला है कि मीरपुर में एक सामूहिक शादी होने वाली है जिसमें से एक दुल्हन के माँ बाप 20 साल पहले दीनापुर में रहते थे। मतलब दीनापुर के परिवार की बेटी की शादी अब मीरपुर में है? तो क्या ये परिवार अब मीरपुर में रहता है? यस सर, ये परिवार वहीं रहता है। कौन सा परिवार है ये? सर लड़की के पिताजी का नाम गोरधन है। गोरधन? गोरधन का परिवार? गोरधन की बेटी की शादी मीरपुर में? तो फिर अब चेतन जरूर आएगा मीरपुर गोरधन की बेटी को मारने के लिए। सब लोग अलर्ट रहना, हाथ पे नजर रखना। हाथ पे उसके हाथ पे कुछ निशान है ना? और कितना टाइम है आप लोगों को अभी? बस 5 मिनट। सब कुछ ठीक? जल्दी है, थोड़ा जल्दी। अरे भाई साहब। हाँ भाई साहब। कोई खबर? सर कोई खबर नहीं सर। अलर्ट रहना, अलर्ट।
कैसी हो बेटी? सब ठीक है? हाँ सर, अब तक तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही है। हेलो तारिका, तारिका तुम ठीक हो? तारिका हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब कैसे हुआ? हाँ एक औरत आई, उसने घूंघट पहना हुआ था। मैंने उसे पूछा कि बाहर सब कुछ रेडी है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने एकदम से बड़ा खंजर निकाला, मेरे पे हमला करने की कोशिश की। मैं अपने आप को बचाने के लिए भागी, फिर फिसल गया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। उसने ये सब हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। घूंघट के अंदर वो खून ही था। श्रेया तुम ठीक हो ना? हाँ सर मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? वो तारिका पे हमला हुआ है। हाँ वो खूनी यही कही है और वो औरत के भेस में भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहना। रिसीव साहब का फोन। हेलो। हाँ सर, हाँ सर हम तैयार हैं। हाँ उन तीनों लड़कियों की जगह पे हमने तारिका पूर्वी और श्रेया को बिठा दिया सर, और वो खूनी भी यहाँ है सर। हाँ हम उसे पकड़ लेंगे सर। हाँ सर ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। ओके सर। श्रेया, श्रेया, श्रेया कहाँ चली? श्रेया
वरना ये लड़की आज काम से जाएगी। दुल्हन को बचाने आया है ना तू? अब पहले इसे मारूंगा, फिर तुझे भी इसके पास भेज दूंगा। दुल्हन के साथ दहेज में एक और शहीद। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं इसे यहां से लेके जाऊंगा। तेरी आंखों के सामने मारूंगा इसे। वैसे तुम्हारा प्लान नाकाम हो चुका है, ये तेरा शिकार नहीं है, सीआईडी ऑफिसर है, समझा? इंस्पेक्टर श्रेया, तुम कैसा लगा हमारा खेल? लड़की बदल कैसे गई? चेतन साहब, लड़की तो हमने सही उठाए थे, पता नहीं कैसी चेंज हो गई है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मेरा प्लान बर्बाद किया तुम दोनों ने, अब तुम्हारे साथ खून का खेल खेलूंगा मैं। तेरा सपना धरा का धरा रह जाएगा चेतन, तू जानता नहीं है किससे उलझ रहा है। सीआईडी से ना, दया से ना, इसे इसकी औकात दिखाऊंगा मैं आज। असली दुल्हन को गायब किया था ना तूने, अब तू दुल्हन बनकर दिखा और ले जा अपनी श्रेया को अपने साथ, अपनी सीआईडी वाली दुल्हन को। औरत मर्द की ताकत भी होती है और कमजोरी भी, क्यों दया? बनेगा ना दुल्हन, बचाएगा ना अपनी सीआईडी वाली दुल्हन को। छोटे श्रेया को ए, आगे मत बढ़ दया, ऐसा कुछ मत कर दया जिसके लिए तुझे जिंदगी भर पछताना पड़े। मैंने कहा ना, तू दुल्हन बनकर दिखा, हम इसका वीडियो शूट करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे, फिर ले जा अपनी इस दुल्हनिया को। नहीं। एक मिनट, अब मैं तैयार हूं। नहीं सर, सर नहीं, सर आप जाइए यहां से, सर प्लीज, प्लीज सर। ये चाकू हटा गर्दन से, गर्दन से चाकू हटा। मैं तैयार हूं। नहीं सर, सर प्लीज, सर आप यहां से चले जाइए सर प्लीज। नहीं श्रेया, तुम्हें लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अरे ये तो बसंती और वीरू का याराना है, अब तो और मजा आएगा। बनाओ इस दया को दुल्हन, पहनाओ इसे चूड़ियां और दिखाओ इसका तमाशा सारी दुनिया को। अरे दुल्हनिया, जरा अपना चेहरा तो दिखा। अरे वाह 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 दुल्हनिया वाह।
वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात, ऐसी दुल्हन तो मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन आज पूरी दुनिया देखेगी तुझे। तेरे इस तमाशे का वीडियो घर घर में देखा जाएगा और तू शर्म से डूब कर मर जाएगा। गलत गलत कहा तुमने, मुझे शर्म नहीं, गर्व हो रहा है कि आज मैं उस मां के रूप में हूं जिसने इस दुनिया को जन्म दिया, उस बहन के रूप में हूं जो हर भाई की ताकत होती है, उस बेटी के रूप में हूं जो इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलती है। औरत कमजोरी का नाम नहीं, ताकत का नाम है, शक्ति का नाम है, साहस का नाम है। अरे भाई देखो, ये दुल्हन तो डायलॉग भी बोलती है और अब ये नाचेगी भी, क्यों बसंती? सॉरी, दयावंती, दयावंती नाचेगी ना अपने इस वीर, सॉरी अपनी श्रेया को बचाने के लिए। नाचेगा तो अब तू अपने इन साथियों के साथ मिलकर, क्योंकि बैंड बजाने के लिए सीआईडी वाले आ गए। जरा पीछे मुड़ के देख, सीआईडी, सीआईडी ऑफिसर आ गए। आग आग से खेलोगे जल जाओगे। कोई होशियारी नहीं, कर नीचे, इधर रख। जी तो करता है सबको यहीं गोली मार दूं और केस खत्म, पर क्या करें, हमें ये सिखाया नहीं गया है। तेरी तो अभिजीत, कोई बीच में नहीं आएगा। यहीं गाड़ दूं, लेकिन दोस्त ने मना किया है। तुझे औरत की ताकत देखना है ना, है? अब ये मेहंदी का हाथ तुझे हमेशा याद रहेगा। क्यों खेल रहा था मासूम दुल्हनों को मारने का घिनौना खेल? मैं
उन पांच परिवारों की लड़कियों को मार रहा था जिनकी वजह से मेरी दोनों बहनें अपनी शादी के मंडप में मारी गई। उनकी टोली नहीं, अर्थी उठी थी, अर्थी उठी थी हमारे घर से। सबको मारा मैंने, बस ये आखिरी तुम लोगों की वजह से बच गई है। पाप का खड़ा भर गया था तुम्हारा, कानून की मदद लेने के बजाय खुद कानून हाथ में लिया। सिर्फ फांसी होगी तुम्हें, फांसी। शेर ठीक तो है ना? नहीं बिल्कुल ठीक है। जख्म ज्यादा गहरे तो नहीं? नहीं ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी जख्म को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। खून भी ज्यादा निकल चुका है तो थोड़ी कमजोरी रहेगी, बट डोंट वरी, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी शेर, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। वो मैं आई एम सॉरी, तुम्हारे इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। प्लीज ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं थी सर। सर मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। I'm sorry sir, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। श्रेया, श्रेया तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं सिद्धार्थ। मुझे अभी भी पता चला, मैं तो घबरा गया था। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। ये कहानी तो खत्म हो गई है अभिजीत। मुझे अपना की मुझे फिर से पराया क्यों कर दिया माँ? कभी प्यार नहीं किया माँ? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते।
दरवाजा कैसे खुला है? विनीता, 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 कहाँ हो तुम? सो रही हो क्या? विनीता, अंकल, आंटी, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? काफी खून बहा है सिर से, लगता है किसी भारी चीज से मारा गया है। सर बाथरूम में ये लोहे का रॉड मिला है सर, इस पे ताजे खून के धब्बे हैं। हो सकता है इन दोनों को मारने के लिए इस रॉड का इस्तेमाल किया गया है। उंगलियों के निशान मिल सकते हैं इस पे, संभाल के रख दो। वैशाली जी, आपने सबसे पहले देखा लाशों को? मैंने और मेरी फ्रेंड विनीता ने टेनिस खेलने का प्लान बनाया था। जब मैं यहाँ आई तो विनीता मुझे नहीं मिली और अंकल आंटी की लाश। लाश के आसपास किसी को देखा था? यहाँ पे कोई नहीं था। और बाहर का दरवाजा खुला हुआ था? जी, पर मुझे विनीता की फिक्र हो रही है क्योंकि उसका फोन सुबह से बंद आ रहा है। विनीता का भी फोटो है आपके पास? फोटो तो ये रही। वंश सर, ये फोटो सब चेक ना के और पुलिस स्टेशन में भेजो, इसकी जान को खतरा हो सकता है। सर, और आप यहाँ के वॉचमैन, वॉचमैन का मतलब समझते हो? घर का रखवाला। ये रखवाली की तुमने अपने मालिक और मालकिन की? कैसे कहूँ साहब, अब तो ये बोझ पूरी जिंदगी मेरी आत्मा पर रहने वाला। तुम्हारे रहते हुए खूनी अंदर आया तो आया कैसे? ये बात तो मेरे लिए भी पहली बनी हुई है। ऐसी पहली सुलझाना सीआईडी को अच्छी तरीके से आता है। प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए, ये दिल के मरीज है और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? चुप कर, माफ करना साहब, मेरा बेटा है, मुझसे बहुत प्यार करता है। चल जा, बाहर जाके बैठ। कल रात विनीता घर पे थी? हाँ साहब, वो घर पे ही थी मगर रात को देर से आई थी, 2 बजे घर पे आई थी वो। और वैशाली जी, आप कितने बजे आए? सुबह 8 बजे। मतलब विनीता यहाँ से रात 2 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में गई है? नहीं गई साहब। नहीं गई है तो घर पे कहाँ है? तुम ड्यूटी पे कितने बजे सो रहे थे ये बताओ। नहीं साहब, हम बिल्कुल नहीं सोए, सोने की बात तो दूर, हमने सेकंड की झपकी भी नहीं ली। तो क्या वो खूनी आसमान से उड़ के इस घर में आया? वैशाली, एक बात बताओ, विनीता के परिवार वालों की किसी से कोई दुश्मनी थी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, विनीता के बारे में आप हमें और क्या बता सकती हैं? विनीता मुझसे अपने सारे सुख दुख बांटती थी, बस उसे अपने अनाथ होने की हीन भावना महसूस होती रहती थी। एक मिनट, आपने कहा कि विनीता अनाथ है? अंकल आंटी ने उसे गोद ले रखा था। अच्छा, विनीता का सुरेश जी और उनकी पत्नी के साथ कैसा संबंध था? बहुत अच्छा था, जैसे कि उसके सगे माँ बाप हो। पर विनीता से वो एक ही बात से नाराज होते थे। कौन सी बात? रोहन। ये रोहन कौन है? वो सुरेश अंकल के दोस्त धनराज जी का बेटा था, उससे विनीता बहुत प्यार करती थी, पर इन्हें ये रिश्ता जरा भी मंजूर नहीं था। रोहन ठीक आदमी नहीं था क्या? एक नंबर का शराबी, उसकी शराब पीने की लत की वजह से उसके माँ बाप ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था। शराब पीने के बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहता। एक बार तो उसने मेरे सामने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया था। विनीता दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मैंने कहा दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। रोहन, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे अभी बात करनी है, मुझे इसी वक्त बात करनी है, खोलो दरवाजा, खोलो। साहब बेटिया ने मना किया ना, वो आपसे नहीं मिलना चाहती है, आप जाइए यहाँ से। विनीता ये क्या कर रही हो, दरवाजा मत खोलो। हाँ विनीता, तुम्हारे पापा एकदम सही कह रहे हैं, अभी वो होश में नहीं है, दरवाजा मत खोलना। और अच्छे से समझा दे कि दोबारा मुझसे पंगा ना ले। हट विनीता, ये क्या ड्रामा लगा रखा है रोहन, चलो अभी चलो यहाँ से। अरे, और माफी मांगो इनसे। सॉरी सॉरी, बाद में अंकल, मुझसे गलती हो गई, ये मेरी बदतमीजी की कीमत। दारू पी के तुम कुछ भी करते हो ना, कुछ भी बकते हो, चलो यहाँ से।
चलो रोहन। हो सकता है इस रोहन ने शराब के नशे में आके सुरेश जी और उनकी पत्नी का खून कर दिया और फिर विनीता को अपने साथ लेकर चला गया। इस रोहन का नंबर है आपके पास? हाँ नंबर तो है मेरे पास। रोहन का फोन भी बंद आ रहा है। सर अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो खूनी मेन गेट से अंदर नहीं आया तो फिर कहाँ से आया? कार को चेक करते हैं। देखा लगता है खूनी यहां से अंदर आया और फिर यहीं से बाहर भाग गया। सर खूनी यहां से आ जा सकता है लेकिन खूनी विनीता को यहां से कैसे लेके जा सकता है? हाँ सर अगर विनीता के साथ उसने जोर जबरदस्ती की होगी तो विनीता चीखती चिल्लाती शोर मचाती। हो सकता है विनीता को बेहोश कर दिया। इसके पहले उसे कुछ हो हमें उसे ढूंढना होगा और इस रोहन से भी मिलना पड़ेगा। सर अभिजीत सर ने रोहन का यही का पता बताया। ये रोहन वाकई में अंदर नहीं है या फिर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोल रहा है? अभी पता चल जाएगा। हो सकता है उसने विनीता को यहीं कहीं छुपा के रखा हो। घर में सामान भी ज्यादा नहीं है, पूरा घर खाली दिखाई दे रहा है। आ? वैसे भी कंगाल है वो, माँ बाप ने तो बेदखल कर दिया था उसे। सचिन तो कोई भी नहीं, ना ही विनीता और ना ही रोहन। हो सकता है उसने अपना ठिकाना बदल दिया। काम करो घर की तलाशी लो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। चारों तरफ किताबें ही किताबें पढ़ी। लगता है इस रोहन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नजरिया बदलिए, बहुत अच्छी किताब है ये। ये देखिए, इस डस्टबिन में ये दस्ताने पड़े थे, लगता है किसी ने अभी भी जला है। मतलब इन दस्तानों का इस केस से कुछ लेना देना है। रेडी सर, मेरे इतने बड़े शरीर के इक्तू से दिमाग में ना एक बात नहीं घुस रही। कौन सी बात? ये रोहन का मेन मकसद था विनीता से शादी करना, करेक्ट? करेक्ट। फिर इसने अपने सास ससुर की जान क्यों ली?
अरे उरुशाली ने बताया था ना कि उसे शराब पीने की बहुत जबरदस्त लत थी, और शराब के नशे में लोग अक्सर कुछ भी कर जाते, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। हाँ क्या क्या शराब के नशे में इतनी ऊंची दीवार कोई कैसे चढ़ सकता है, भले रस्सी के सहारे क्यों। और फिर भी नहीं था, वो तो शराब नहीं पीती, वो क्यों गई रोहन के साथ। सर वैसे भी विनीता तो उनकी सगी बेटी थोड़ी थी। जो कुछ भी हो लेकिन वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और ही चक्कर है लगता है, इन दोनों को मारने का ही प्लान था। सर हाँ, लगता है ये काम किसी लुटेरे का होगा। फ्रेडी लुटेरा नहीं हो सकता, कोई लूटने के लिए आता तो घर का सारा सामान वैसे के वैसे कैसे रहता। नहीं नहीं, ये मुजरिम जो भी है ना, उसका एक ही मकसद था, इन दोनों को खत्म करने का। सर हाँ, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली है। क्या? सर विनीता ने एक हफ्ते पहले फायर ब्रिगेड में फोन किया था, और ये रही उस फोन कॉल की ऑडियो क्लिप। हेलो फायर ब्रिगेड, मेरे घर पे आग लगी है, प्लीज जल्दी किसी को भेज दीजिए। मेरा एड्रेस है 603 हर्ष विहार शांति नगर। लेकिन सर जब फायर ब्रिगेड वाले उनके घर पहुंचे तो विनीता की मम्मी माला जी ने उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया कि वहां कोई आग वाग नहीं लगी है। हाँ, उसके घर में तो कोई आग लगने का निशान भी नहीं मिला। अरे झूठ क्यों कहा उसने? यही बात तो समझ में नहीं आ रही। फायर ब्रिगेड वाले ने खुद देखा था स्टोर रूम से धुआं निकलते हुए, उसने अंदर जाना भी चाहा लेकिन माला जी ने उसे रोक दिया। माला जी ने फायर ब्रिगेड वाले को अंदर जाने से रोक दिया, क्यों? कुछ और ही चक्कर है। छान मारो इस जगह को अच्छी तरह से, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्या हुआ सर? सीलिंग पे पेंटिंग बनाया। बड़ी अजीब बात है, देखते ये क्या? ये तो लगता है धुएं से बना हुआ निशान है जलने की वजह से। मतलब सर फायर ब्रिगेड वाला सही कह रहा था, यहाँ पे आग तो जरूर लगी है। सर इस पेंटिंग से जली हुई सीलिंग को अच्छी तरह छुपाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरेश की पत्नी ने झूठ क्यों बोला फायर ब्रिगेड से? आखिर यहाँ पे ऐसी कौन सी आग लगी थी? सीलिंग का सिर्फ यही वाला हिस्सा जला। उठा रहा
वैशाली को वैशाली पे फोन नहीं उठा रही। बैक कीजिए मौत रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। और सर वॉचमैन कह रहा था कि विनीता रात को 2 बजे घर लौटी थी। सर अगर खून उससे पहले हुए होते तो वो चीखती चिल्लाती या बाहर जाती। मतलब खून 2 और 3 बजे के बीच में हुए हैं। सालूंगे साहब, हमें जो लोहे का रॉड मिला था उसके ऊपर से खूनी के उंगलियों के निशान मिले या नहीं? नहीं, बस कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। नहीं मिले? रोहन के घर में से हमें आधे जले हुए ग्लव्स मिले थे। कहीं रोहन ने वो ग्लव्स तो नहीं पहने थे ये खून करते वक्त? हो सकता, तारिका वही चेक कर रही। सर, सर ये खास किस्म का सॉल्यूशन है, इको डेल्पाइट नाम। अगर मैं इस सॉल्यूशन को इन दस्तानों पर डालूं तो इन दस्तानों पर जो कुछ भी लगा हुआ होगा वो अलग हो जाएगा। अरे वाह, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई है। इनपे तो खून लगा है, देखते हैं किसका है। पॉजिटिव सर, ये खून मिस्टर एंड मिसेस सुरेश का ही है। मतलब सर ये खून रोहन ने ही किया है। एक मिनट बोलो, देखो दस्तानों पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये रस्सी के रेशे। सर कहीं ये वही रस्सी तो नहीं जो हमें विनीता के घर के बाहर मिली थी? ये डॉक्टर साहब का कंप्यूटर कैसा है, टी 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 करते रहता है। बस दस्तानों पर रस्सी के रेशे के अलावा कुछ और भी है। क्या? थोड़ा वक्त दो, पता लगाता हूं। हाँ श्रेया, ठीक है। क्या? सर विनीता का फोन थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था उसके घर के बिल्कुल करीब, और सर उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने दोस्त को एक SOS मैसेज भी भेजा है। श्रेया मुझे लिंक अभी भेज रही है। सर ये देखिए सर, मैं घुटन से मर रही हूं, प्लीज मुझे बचाओ, विनीता। माय गॉड,
मोबाइल कंपनी ने बताया कि विनीता का फोन आखिरी बार यही ऑन हुआ था। इस घने जंगल में नेटवर्क मिला, यही बड़ी बात है। जरा देखो आसपास। सामने झोपड़ी दिखाई दे रही है। दिव्या बच। चौकन्ने रहना। ये तो रोन है। सॉरी वॉचमैन अंकल, मुझसे गलती हो गई। हम लोग सोच रहे थे कि सब रोन का किया था, पर किसी ने इसे ऊपर पहुंचा दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विनीता ने अपनी आत्मरक्षा के लिए इसे मार दिया? नहीं, इसे भी ठीक वैसे ही मारा है सर पे वार करके, जैसे विनीता के माँ बाप को मारा था। खूनी को एक ही है। सोचता है कि खूनी ने रोहन को मारा और विनीता को साथ लेके। हो सकता है, तो ये भी हो सकता है कि वो यही कहीं आसपास हो। तो देखो आसपास भी कुछ नहीं मिला। सर कुछ नहीं मिला। सर ये देखिए फोड़ा और कुदाल। कहीं जमीन के नीचे तो नहीं? यहाँ पे खुदाई का सामान पड़ा हुआ है, जरा फोड़ा दिखा ना। फोड़े पे गीली मिट्टी लगी हुई। अब विनीता को यहाँ जमीन के नीचे रखा गया है, जंगल के किसी ऐसे हिस्से में जहाँ पे ये पत्ते मिलते हो। ढूंढो, तो देखो आसपास।
सचिन, वंश, दिव्या, ये ले। लगता है हाल फिलहाल में यहाँ खुदाई हुई है। वंश, खुदाई का औजार लिया जल्दी। सर। गुड, यहाँ पे खोदना शुरू करो। एक मिनट, आ जाओ। कुछ है। एक मिनट, खोदा बंद करो, हाथ से निकालो। तो इसके अंदर तो नहीं। सांसें धीमी चल रही है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। निकालो सुभाष जल्दी। हाँ तो निकालो, बाहर निकालो, पैर पकड़ो उसके। इतना समय बीत गया है, पता नहीं किस हाल में होगी विनीता। हम तो वक्त रहते उसे यहाँ ले आए, उम्मीद तो यही है कि वो ठीक हो जाएगी। ठीक भी हो जाएगी तो भी रोहन की मौत और उसके माँ बाप की मौत का सदमा पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीआईडी में सबसे मुश्किल काम यही है, किसी को किसी अपने की मौत की खबर देना। हाँ डॉक्टर साहब, कैसी है विनीता? खतरे से बाहर है, उन्हें होश आ गया। गुड, हम उनसे बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं, लेकिन वो काफी तनाव में, बहुत देर तक कम ऑक्सीजन में रहने की वजह से फिलहाल बहुत ज्यादा कमजोर है। थोड़ा संभाल के ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। थैंक यू, चलो। अरे नहीं नहीं, लेटे रहो, आराम करो। थैंक यू सर, डॉक्टर ने बताया कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई। अरे हम तो बस एक जरिया थे, जान बचाने वाला तो वो है। ये ऊपर वाले की भी मुझे समझ नहीं आती, जब उसने मेरी जान बचाई तो मेरे मम्मी पापा की जान भी बचा लेते। तो तुम्हें अपने माता पिता के मर्डर के बारे में पता है? हाँ जी सर, जिस वक्त ये सब हुआ मैं नीचे हॉल में रोहन से फोन पे बात कर रही थी, तभी मैंने कुछ आवाजें सुनी। फिर क्या हुआ? और जैसे ही मैं दौड़ के ऊपर गई तो किसी ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, लेकिन मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और किसी ने मेरी आंखों के सामने मेरे मम्मी पापा का खून कर दिया। सर, जिस किसी ने भी मुझे दोबारा अनाथ किया है, आप प्लीज उसे छोड़िएगा मत, उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी। बिल्कुल, तुम्हारे माता पिता और रोहन के खूनी को हम। क्या, रोहन का भी खून हो गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्लीज सर, संभालिए अपने आपको, प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आपको कब पता लगा कि आप उस बॉक्स के अंदर बंद हैं? जब मेरी आंखें खुली तो मैं घुटन भरे बक्से में थी, मुझे नहीं पता था कि किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। सविनीता, उनमें से किसी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं सर। ठीक है, आरोप सब देखा। वो जो रस्सी है, उस रस्सी पर मुझे भेड़ का बाल मिला है। उस रस्सी पे भेड़ का बाल मिला? हाँ दया, भेड़ का बाल, और भेड़ भी ऐसी वैसी नहीं, हिमालय पर रहने वाली भेड़। ओह, मतलब वो रस्सी किसी ऐसे आदमी का है जो हिमालय पर्वत के आसपास जाके आया है या फिर वहीं का रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अच्छा हाँ दया, विनीता कैसी है? ठीक है, होश आ गया उसे। गुड गुड, चलो ठीक है फिर, बाय। ओके सर। विनीता ये बताओ कि
तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा आदमी है जो हाल ही में हिमालय जाके आया था क्या, या फिर वहीं का रहने वाला हो जो यहाँ पे आया हो? सिर्फ हिमालय पे नहीं, नेपाल भी गए थे मम्मी पापा। अच्छा, कब की बात है? एक महीने पहले की। वो खुद से वहाँ गए थे या ये ट्रैवल एजेंट के जरिए टूर पैकेज में? टूर बुक करवाया था सर, इससे उनके पैसे भी बच जाते थे और उनके नए दोस्त भी बन जाते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये टूर उनकी जिंदगी का आखिरी टूर होगा। सवाल होते हैं आपको। विनीता, हमें उस ट्रैवल एजेंट का नंबर चाहिए। सर, विनीता के माता पिता के साथ जितने भी लोग नेपाल गए थे उन सभी से पूछताछ कर ली। तो क्या पता चला? सर, नेपाल में एक अनाथ आश्रम है। सुरेश जी और माला जी जब भी नेपाल जाते थे वो इस अनाथ आश्रम में जरूर जाते थे। विनीता को भी तो यहीं से गोद लिया था माला और सुरेश ने। जी सर। हाँ, देखते हैं जरा इनसे बात करके। हेलो, देखिए मैं एसीपी प्रज्वलन बोल रहा हूँ सीआईडी से। या मुंबई। अच्छा देखिए, मुझे माला और सुरेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ हाँ, वो एक महीने पहले आपके यहाँ आए थे ना? अच्छा अच्छा, तो प्लीज एक काम करेंगे आप, वो फोटोग्राफ्स हमारे सीआईडी के वेबसाइट पर मुझे भेज देंगे आप? ओके, थैंक यू। क्या हुआ सर, किसकी तस्वीरें मंगवाई आपने? विनीता को गोद लेने से पहले सुरेश और माला ने इसी अनाथ आश्रम से एक साल पहले एक लड़के को गोद लिया था, गोविंद नाम है। गोविंद लगता है फोटोग्राफ आके। पांच साल की उम्र थी, साल 1999। मतलब सर वो आज तकरीबन 20 साल का होगा। अभी पता चल जाएगा गोविंद अगर आज है कैसे दिखता होगा। देखते हैं कहां भागेगा। ठीक है सर, हमें देख के अंदर भाग गया। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मगर ये तो अंदर भाग गया। मगर सर वो अंदर की तरफ क्यों भागा, वो तो पकड़ा जाएगा। ऐसे मुजरिम बाहर की तरफ भागते हैं, मगर ये अंदर भागे या बाहर, पकड़ा तो ये जाएगा ही। कहां गया ये अभिजीत? दया सर, फैल जाओ, मैं सामने से घुसता हूं। जान बूझ कर हमें यहाँ अंदर बुलवा लिया है, जाल रचा है उसने खुजली वाले पौधों का। संभाल के रहना, यही कहीं छुपा लिया। Thank you.
चलो वहां देख लो, बहुत बना लिया पौधों को हथियार। अब विदाई का समय आ गया है तुम्हारा, ससुराल चलना है। चलो प्लीज साहब, मेरे बाबूजी से इस तरह बात मत कीजिए। बहुत गड्ढे खोद लिए दूसरों के लिए, गिर गए ना उसी में। सर पानी मंगाइए सर, वरना मैं खुजली से मर जाऊंगा। पानी क्यों, खुजली का इलाज हम अपने साथ लेके चलते हैं। किसी औलाद के लिए अपने माँ बाप का खून करना इतना आसान नहीं होता सर, फिर चाहे वो माँ बाप सौतेले क्यों ना हो। गोद लिया था ना उन्होंने तुम्हें, फिर वॉचमैन को क्यों सौंप दिया? यही सच तो मैं भी जानना चाहता था सर, कि मुझे गोद लेने के एक साल बाद मेरे माँ बाप को ऐसा क्या सूझा कि उन्हें लगा उन्हें एक लड़की को गोद लेना चाहिए, और मुझे फिर ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया और विनीता को गोद ले लिया। क्या तुम्हें सड़क पर छोड़ दिया? हाँ सर, ऐसा बर्ताव तो कोई अपने जानवर के साथ भी नहीं करता जैसा उन लोगों ने मेरे साथ किया। वो तो भला मेरे बाबू जी का, जो उन्होंने मुझे रोता हुआ बस स्टॉप पर देखा और अपने साथ अपने घर ले गए, और तो मेरी अच्छी परवरिश की उन्होंने। सुरेश और माला ने पहचाना नहीं तुम्हें? नहीं सर, मैंने हाल फिलहाल में उनके घर जाना शुरू किया था, मेरे बाबूजी की उम्र हो गई थी तो मुझे लगा मुझे नौकरी करनी चाहिए। क्या तुम्हारे बाबूजी जानते नहीं थे कि तुम उनके मालिक के बेटे हो? नहीं सर, जब मैं उन्हें मिला था तब वो वहाँ काम नहीं करते थे, और सर मैं इसे कोई इत्तेफाक नहीं कहूँगा, तो भगवान ने मेरे साथ इंसाफ की। तुम्हें किसने अधिकार दिया सजा देने का? सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है। क्या तुम शुरू में ही पहचान गए थे उन दोनों? ये बात तुम्हें मालूम कैसे पड़ी कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? नहीं पहचाना था सर, एक दिन मैं बगीचे में काम कर रहा था तो माला मेम साहब ने मुझे घर के अंदर बुलाया था किसी काम से। विनोद जी, मेम साहब जरा ऊपर आना, तो काम है। अभी आया। जी मेम साहब। विनोद देखो ये पुरानी अलमारी है, इसे ठीक से स्टोर रूम में रख देना। हाँ जी मैम साहब। हाँ क्या हुआ विनोद, बहुत भारी है क्या? बहुत ज्यादा भारी मैम साहब। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ सामान बाहर निकाल लेता हूँ। मगर निकाला हुआ सामान फिर से रख देना अंदर। हाँ जी मैम साहब। हाँ प्यारी प्यारी ड्रॉइंग्स हैं। ये तस्वीर तो मेरे बचपन की है, इसका मतलब साहब और मेम साहब ने मुझे गोद लिया था। विनोद कितनी देर, जल्दी करो। जी मेम साहब, बस हो गया। और फिर तुम नेपाल गए सच्चाई का पता लगाने? हाँ सर, और जब मुझे सच का पता चल गया तो मैंने पूरे परिवार के नाक में दम करना शुरू कर दिया। किसका फोन है? हेलो हेलो, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो, कौन है? ऐसा क्यों किया? कौन बोल रहा है? आपका बेटा। बेटा? क्या? बताइए, ऐसा क्यों किया? मुझे अपना बनाकर फिर से अनाथ क्यों कर दिया? देखो, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती है। आमने सामने मिलो, फिर बैठ के बात करते हैं। बताइए कहाँ मिलना है? मेरे घर। ठीक है, पहुंच गया। स्टोर रूम की अलमारी में तुम्ही ने आग लगाई थी ना? हाँ सर,
पर माला जी नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई दुनिया को मालूम पड़े और समाज में उनकी बेइज्जती हो, इसीलिए फायर ब्रिगेड को भी उन्होंने वापस भिजवा दिया। और रोहन, रोहन को क्यों मारा? मैं रोहन को नहीं मारना चाहता था सर, उससे मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। मैं तो उसके घर गया हुआ था वो दस्ताने रखने के लिए, ताकि आप लोगों को दस्ताने उसके घर से मिले और आप लोग उस पर शक करें। उसने मुझे देख लिया सर, मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। बदले की आग में तूने तीन तीन खून किए, एक मासूम को जिंदा दफनाने की कोशिश भी की, ये कैसा बदला? अब ये बदले की आग तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाएगी, फांसी के फंदे तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.